हम लड़कियों की प्रॉब्लम्स। आज क्या बनाए खाने में? आज तो कुछ भी नहीं है खाने को, चलते किचन की तरफ। आज तेरी में क्या बनाते हैं दिखाती हूँ, आ जाओ। हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी तरह आप सबका रमज़ान अच्छे से गुजर रहा होगा। इस वक्त मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ सहरी में। बस किचन में आते ही बस माइंड ने कहा चलो पहले पराठे बनाओ, फिर दूध वाली सेवियाँ बनाओ, पर एक कबाब पड़ा हुआ था वो मैंने फ्राई किया और अपने लिए कप चाय बनाई। फिर इंसान जब काम करने पर आ जाए ना तो फिर खुद ब खुद इंसान का दिमाग खुल जाता है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। खाना तो है ना, मेरी सहरी तैयार हो गई, आज दिखाते। ये देखो, दो आदद पराठे बनाए, दही मैंने निकाली और दूध वाली सेवैयाँ, कोपरा डाला हुआ है, रायता निकाला, एक कबाब फ्राई किया और अपने लिए एक कप चाय बनाई। यस। वो कौन लोग होते हैं जो सेरी में इतना कुछ खा लेते हैं? हमसे तो नहीं खाया जाता है, मेरे भाई लोग भी और मैं, हम लोग तो मतलब दो पराठे बना लेते हैं वो भी छोटे साइज के, जिसमें भी पूरा आधा रह जाता है। हम तीन बंदे होते हैं ना, पूरा एक आधा रह जाता है और बस सेवैयाँ खाई जाती है, उससे बस पेट फुल हो जाता है और बाकी चीज़ तो खाई नहीं। और चाय मैं इस वजह से पीती हूँ ना कि फिर मेरा पूरा दिन सर में दर्द हो रहा था। वैसे चाय की मैं शौकीन हूँ नहीं और यहाँ बस टाइम कम था, मैंने बाकी चीज़ें रिकॉर्ड की नहीं। नींद से उठी तो नमाज़ पढ़ी, फ्रेश हुई, बस कपड़े वपड़े चेंज किए और बस अब मोबाइल उठाया। अब देखते किचन की तरफ, 4 बजने वाले हैं, क्या काम करना है क्या नहीं करना है, आ जाओ चलते। इस वक्त किचन की तरफ कदम रखा तो सामने गोश्त पड़ा हुआ था, बीफ था, चिकन था और मटन था। और बस मैंने इन सबको मैंने कहा पहले से वॉश कर लूं और रख दूं, फिर मैंने कहा नहीं, बीफ और मटन को उबाल के रख दी। 4 बज गए बस तभी, तब तो मैंने ये गोश्त ही धोया है जिसमें मैंने ये मटन और बीफ, इसको मैं बॉईल करके रख दूंगी क्योंकि फिर जब पकाने का वक्त होता है फिर इतना टाइम नहीं होता है, तो फिर बस मैं इनको उबाल के रख दूंगी। आज मेरी किस्मत में काम ही नहीं करना, बोल करने रखा, बोल करने गैस ही नहीं आ रही। अभी बाइक को भेजे मैंने कहा सिलेंडर में गैस खत्म नहीं हुआ, सिलेंडर भाई लाता है, करते काम स्टार्ट। कोई भी काम नहीं करने को, चलो आज छत घूम कर आते हैं, धूप है, हाँ हवा तो चल रही है। मेरी आंखें ही नहीं खुलती। और काम नहीं, यही काम है बस, छत घूम के। आज कोई काम नहीं मुझे करने को बस। क्या काम करें क्या करें क्या करें, कुछ पका लेते हैं, ऐसे ही करते चलो। छत का दीदार करने के बाद फिर मैं आई, वजू किया, सर की नमाज़ पढ़ी और इसके बाद किचन की तरफ आई। मैंने कहा चलिए मैक्रोनी ही बना लेते हैं और क्या खाया जाए, कुछ नहीं, शरबत मैंने बनाकर साइड पे रख दिया था और गोश्त चेक किया मैंने, फिर उसमें थोड़ा सा पानी बचा हुआ था फिर मैंने उसको उधर ही छोड़ दिया था। फिर मैंने मैक्रोनी की तैयारी शुरू कर दी, यहाँ पर मैंने मैक्रोनी को बॉयल कर दिया, वहाँ पर मैंने उसका मसाला बना दिया, थोड़ा चिकन डाला, सब्ज़ियाँ डाली थी मेरे ख्याल से, हाँ, और इतना और टेस्टी बना था, पता नहीं मेरा दिल अभी भी कर रहा है, अभी मैंने खाई है थोड़ी देर पहले, अभी फिर कर रहा है देख देख कर। और बस अफ्तारी में यही चीज़ें थी, बस इससे ज़्यादा फिर भी नहीं खाई, एक समोसा और 2-3 फ्रूट, एक गिलास शरबत, इससे ज़्यादा नहीं खाई जाती। और यहाँ क्या सीन हुआ पता है, अजानें हो रही थी पर मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, मेरे भाई को भी नहीं आ रही थी, मतलब स्लो हो रही थी, और एक भाई ने ना खजूर खा ली थी, मैं एक को देख रही थी दूसरे को देख, एक नहीं खा रहा था दूसरा खा रहा था, मैंने कहा उठो कोई सुन के आ जाओ, जब भाई ने कहा हाँ 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 अजानें हो रही अजानें हो रही, फिर जाके मैंने खजूर खाया और हम लोगों ने रोज़ा अफ्तार किया। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद फिर दोबारा किचन पे आई हूँ, जो मैक्रोनी का मैंने आधा काम छोड़ा हुआ था वो उसको मुकम्मल किया, क्योंकि अगर मैं अफ्तारी से पहले ही बना लेती ना तो फिर ठंडा हो जाता, फिर खाने में भी मज़ा नहीं आता। फिर मैंने इसको मुकम्मल करने के बाद बस और कुछ नहीं, इसको ज़रा सा मिक्स किया और इसके ऊपर धनिया डाला और काली मिर्ची भी डाली। और अगर आप सबको मेरे ये टूटे फूटे छोटे मोटे व्लॉग पसंद आ रहे तो लाजमी अप्रिशिएट करना, ताकि मुझे और हिम्मत मिले मैं डेली की डेली व्लॉग बनाया करूँ, आप सबके साथ अपनी रूटीन शेयर करूँ। यहाँ पर मैंने मैक्रोनी खाई और बहुत ही मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आ रहे हों, और आज के लिए इतना ही है, कुछ ख़ास नहीं था, बस घर पे ही गुजरा, कहीं गई नहीं। ओके, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।